क्या सच में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अब बंद हो जाएगी? क्या आप लोगों को अगले महीने से 1000 रुपए की राशि मिलनी बंद हो जाएगी? क्या इस योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो चुकी है? इस प्रकार कई अलग अलग न्यूज आर्टिकल के माध्यम से खबरें आ रही है कि अब यह योजना बंद हो जाएगी। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यह योजना बंद होगी या फिर नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दे, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर इस न्यूज़पेपर कटिंग में देखिए बताया गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर, यानी कि झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है इस योजना को बंद करने के लिए, रोकने के लिए। तो यहाँ पर रांची से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। प्रार्थी यानी कि जो याचिका दायर किया है सिमडेगा निवासी विष्णु साहू की याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उनके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती है। सरकार जनता के टैक्स से चलती है, जनता से प्राप्त पैसे कल्याणकारी योजनाओं में लगाना होता है, किसी को सीधे पैसा देना सही नहीं है। झारखंड में अगले 1-2 माह में विधानसभा का चुनाव संभावित है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजनाएं लाई है। इस योजना से लगभग 40 लाख से अधिक महिलाएं भी जुड़ चुकी है। तो साथियों इस प्रकार झारखंड हाई कोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर की गई है और फिर इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन का जवाब आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर भाजपा को मैया योजना से तकलीफ क्यों? इस प्रकार यहाँ पर जो बताया गया है, मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का विरोध या फिर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे जिस तरीके से रिपोर्ट आता मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कहना है कि यह योजना इतनी आसानी से बंद नहीं होने वाली है, यह योजना चलती रहेगी। लेकिन जो यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं उनका कहना है, क्या सरकार इस योजना को पहले नहीं ला सकती थी? क्योंकि झारखंड में 1-2 महीने में विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। तो उनका आरोप है कि इस योजना का लाने का मकसद है राज्य के सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो साथियों इस तरह से यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई भी फैसला नहीं हुआ है और यह योजना बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि इस योजना का जो पैसा दिया जा रहा है वो किसी के जेब से नहीं दिया जा रहा है, वो यहाँ पर टैक्स के पैसे से यहाँ पर दिया जा रहा है। और रही बात इस योजना की बंद होने की, तो यह योजना सरकार की तरफ से सीधा कह दिया गया है कि बंद नहीं होगा, क्योंकि इस योजना का जो पैसा है वो किसी के जेब से नहीं दिया जा रहा है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि सरकार जो है जनता के टैक्स से चलती है, तो इस योजना का जो पैसा है वो टैक्स से आ रहा है। जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तो कई लोगों के परमिशन से इस योजना को शुरू किया गया था, तो अब इस योजना को बंद नहीं किया जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।